भाई भाई ज़्यादा पीछे नहीं हो पाएगा भैया। पहली बार देख रहे कोई स्टैंडर्ड मार्केट पहले मोबाइल ये जो इसका स्केल है दक्षिण एशिया। देखिए प्रयागराज पुलिस ने एक दुर्लभ प्रजाति का जीव जिसको पेंगुलिन के नाम से जाना जाता है, इसको अभी आप सभी लोगों को दिखाया भी गया है। इसको पांच लोगों के पास से बरामद किया है। इन पांच लोगों के नाम रितेश कुमार, नुसरत हुसैन, हरी मोहन, अखिलेश और जयप्रकाश हैं। तो पुलिस ने इन पांच लोगों से इस दुर्लभ प्रजाति के जानवर को बरामद किया है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अब इसमें इंक्लूड किया जा रहा है ताकि इस जानवर को लीगली उनकी कस्टडी में दिया जा सके। जो अभी तक रिपोर्ट्स आई हैं पुलिस के पास, उनसे पता लगा है कि 20 लाख से करोड़ तक के करीबन में भी इसकी वैल्यू हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट। और इसी तरह की सूचना जब पुलिस को पता लगी थी कि इसकी तस्करी हो रही है, इसकी बिक्री होने वाली है, तो इसी टिप ऑफ पर पुलिस ने इस जानवर को बरामद किया है। पुलिस को ये भी जानकारी मिली है कि ये जानवर पहाड़ी क्षेत्र में बहुत दुर्लभ तरीके से पाया जाता है और दक्षिण अफ्रीकी क्षेत्र में भी इस जानवर को देखा जाता है। तो अभी हम डिटेल्ड और पता कर रहे हैं कि जानवर कहाँ से आया। मोस्ट प्रॉब्ली ये इसका ओरिजिन पहाड़ी है। बहुत कम संख्या है इसकी वर्ल्ड में। हाँ देखिए, इसकी संख्या बहुत कम बताई जाती है, ये बहुत क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज के तहत ही आता है। अरे इसमें जो पकड़े गए उसको कौन लोग हैं जो देखिए इस अपराध में इनके खिलाफ कार्रवाई? देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है और भी अन्य जितने भी एक्ट हैं उनको हम लीगल रिसोर्सेज से हम पता कर रहे हैं कि क्या क्या धाराओं और किन किस तरह की उसमें हम कार्रवाई कर सकते हैं इनके विरुद्ध। इसके अलावा इसमें पांच लोग पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। कोई नेता भी पकड़ा गया है क्या इसमें, सांसद है? देखिए एक एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जिसके पिता पूर्व सांसद रह चुके हैं। तो इनको सुपुर्दगी वन विभाग को की जाएगी? जी सुपुर्दगी वन विभाग को की जाएगी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम है पेंगुलिन जी। ये एशिया और दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है और इसके इसके उससे लोग जो है इसको इसका स्मगलिंग इसलिए करते हैं कि इसकी 50 लाख 1 लाख मतलब कीमत इसकी बहुत अधिक है और इसके ड्रग्स, मैन पावर की दवाएं और साज सज्जा